हाँ जी, तो सुबह हो गई है, रात में हमने यहाँ पे खाना खाया और आगे सो गए थे, बिकॉज़ यहाँ का ऑफ रोड काफ़ी टफ था तो नहीं हम जाग सके मज़ीद पर। लेकिन यहाँ पे जो जगह है जहाँ हम रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक बहुत छोटा सा वाटरफॉल भी है, वो दिखा दो। हाँ जी, तो हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। सुना है कुछ घंटे 45 मिनट्स की है कुछ। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, अभी और रास्ता है मजीद आगे। वीडियो में हमने आगे बाइकें कहाँ देखी हैं यार, क्या हो गया लबी भाई? हाँ, वो एक वाटरफॉल जो गिर रही है वो वाली है जहाँ हम बैठे हैं। ना 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 ना, पक्का? हाँ हाँ, वो वही है, हो सकता है, हो सकता है। वाटरफॉल जो पीछे आ रही है, खड़ी है बाइक, हाँ वो वाली हो सकता है, वही हो। अच्छा, मेरा पता, मेरा क्या कहना था, वो जो रास्ता है ना, जो वो गुल मोहम्मद ने बताया, वो दूसरी तरफ का 4x4 वाला है, तो वहाँ से वो बाइक्स वगैरह लेके आए होंगे फिर, क्योंकि उन्होंने उस तरफ खड़ी हुई है, उतार तो वहाँ से सकते नहीं। 4x4 इधर ही आती है, 4x4 इससे भी पीछे, यहाँ से रुकती है, जहाँ तक हम आए वहाँ तक 4x4 नहीं आती। आई नहीं सकती, गुल मोहम्मद से पूछा है मैंने, फिर वहाँ से पैदल आओ। अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता है, और वहाँ पे ऊपर जाके और भी कुछ पॉइंट्स हैं। चारो, पूरा नाम क्या है इसका? चारो मच्छी। चारो मच्छी, आप इस तरफ रख रहे हैं, ये चारो द चारो मच्छी। हां द चारो मच्छी। हाँ जी, तो ये है पहला पॉइंट इसका बड़ा, अब इसके आगे मजीद दो पॉइंट और हैं, इसको क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा, तो आगे चलते हैं। Thank you.
इसके ऊपर एक और पॉइंट है, कोशिश करते हैं जाने की। ये वो जगह है जहाँ से अक्सर लोग वापसी आ जाते हैं, पर लेकिन इससे मज़ीद आगे भी एक जगह है, वो इस पहाड़ पे चढ़ के आती है। पहले तो मैंने कोशिश करी कि मैं खुद अकेले इस पहाड़ पे चढ़ सकूं, पर लेकिन मैं नहीं चढ़ पाया, जिसको देख के मेरे ग्रुप वालों ने मुझे मना किया कि यहाँ पे नहीं चढ़ो और ये काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि जब मैंने अपने पाँव की सपोर्ट ली तो मुझे पता चला कि ये पहाड़ नीचे से होलो था, और मैं मज़ीद अगर नीचे पाँव डालता तो मैं पहाड़ के नीचे फंस सकता था, पर लेकिन मुझे ये नामुमकिन फिर भी नहीं लग रहा था। तो मैंने हाथों की मदद से कोशिश करी कि मैं कोई ग्रिप बना के चढ़ सकूं, पर लेकिन पहाड़ बहुत ही स्मूथ था तो हाथ की ग्रिप भी नहीं बन पाई। फिर पीछे से एक लोकल आया जिसने मुझे हेल्प करी और मैं ऊपर चढ़ सका। और आपका भाई यहाँ पे ऊपर आ गया, ये भाई और इस भाई के साथ। भाई नाम क्या तुम्हारा? तारिक अहमद। तारिक अहमद ने मुझे यहाँ पे चढ़ाया है, और हम जाएंगे अब आगे, एक और भी जगह है। आ जाओ लड़के। या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो चिकना नहीं है ना बागे? ऊपर जाके पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बिकॉज एक नेचुरल डिजाइन आया हुआ था और काफी स्मूथ थे। पर लेकिन इस जगह पे हम दोबारा एक मुश्किल में आ गए थे, बिकॉज़ यहाँ पे नीचे जो पानी गिर रहा है वहाँ पे कुआं था। जब मैं आगे गया तो नीचे आ गया बिल्कुल कुएं में, और ऊपर हाथ किया तो ऊपर जगह हाथ में नहीं आ पा रही थी। फिर काफ़ी देर तक हम सोचते रहे कि किस तरह जाएं, बिकॉज़ मेरे साथ जो दो लड़के मस्जिद आगे बढ़ रहे थे उनको भी नहीं पता था कि आगे कैसे जाएंगे, वो भी फर्स्ट टाइम ही आए थे। तो काफ़ी देर के बाद दिमाग में एक आइडिया है कि इस तरह से जा सकते हैं। तो पहला मैंने अटैम्प्ट लिया तो मैं उस कुएँ में गिरा, फिर सेकंड जो मेरा अटैम्प्ट था ऊपर मैं चढ़ गया। ये लास्ट जगह थी जहाँ पे हमें काफ़ी मुश्किल हुई, फिर इसके बाद जो थे हम लोग दस्ती आगे बढ़ते गए। बैठ गए थे चाय पी रहे थे। सही है, आप लोग पहले आगे आ गए। आगे अभी और कितना है? आगे है, थोड़ा है। पानी अच्छा है, बड़ा है? बड़ा पानी कोई नहीं है। चल भाई
खाना सक्सेस है। बहुत कम लोग हैं, लास्ट स्पॉट है ये, बिल्कुल आखिरी है। इसके भाई क्या है यहाँ पे? आ जा, क्या हुआ? डरने का नहीं भाई, फ्लो नहीं है ना? फ्लो नहीं। देख ले भाई, यहाँ पे फ्लो नहीं है और फ्लो ये आ रहा है। पानी बस ये जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यानी कि पहाड़ से पानी निकल रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ से पानी निकल रहा है ज़्यादा, जो है पहाड़ से पानी निकल, वहाँ पे इतना फ्लो नहीं है, कोई ख़त्म है ये, दिस इज़ दी एंड, ये पानी निकलता है, सर कर लिया हमने, बिल्कुल एंड तक गए। तो यहाँ हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और हाँ एक चीज़, अक्सर लोग बोलते हैं कि चारो मच्छी या मुला चट्टो कौन सी ज़्यादा अच्छी जगह और खूबसूरत है, अगर आप मुझसे पूछो, मैं मुला चट्टो भी गया हूँ और मैं चारो मच्छी भी अब चले गया, तो मुझे चारो मच्छी कंपैरेटिवली ज़्यादा पसंद आया। बिकॉज़ एक तो ये ग्रीन है, यहाँ पे जो खजूर के दरख्त हैं वो इसकी खूबसूरती काफ़ी बढ़ा देते हैं। दूसरा, ये जो पॉइंट है वो काफ़ी बड़ा है, जिस पॉइंट तक हम लोग गए इसके मज़ीद भी आगे जगह है जाने की, तो आप लोग जाएं तो इससे आगे भी जाएं, लाजमी जाएं, मुश्किल है पर लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, पर लेकिन जब भी आप जाएं सेफ्टी के साथ जाएं। मेरी लास्ट जो वीडियो है रास्ते वाली वो भी देखें अगर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, बाकी 4x4 तो आप इंशाल्लाह सेफ और साउंड ही पहुँचेंगे वहाँ पर, लेकिन बहुत देर से पहुँचेंगे क्योंकि वो रास्ता बहुत बड़ा है। अब मिलेंगे हम अपनी नई स्टोरी के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।